नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष रंजन। 12वीं के रिजल्ट आ चुके हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इसका परिणाम घोषित कर दिया गया है। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के जो टॉपर हैं इस बार एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है। लेकिन हम सीधा रुख करेंगे गोपालगंज से, जहां गुदरी के लाल ने कमाल का उनका परिणाम रहा। हम सीधे जुड़ेंगे सारिक से, जिन्होंने पांचवा स्थान प्राप्त किया है आर्ट्स में। सारिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार तक पर। कैसा लग रहा है इस परिणाम के बाद? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे वजह से मेरे घर वाले और मेरे विद्यालय के सभी शिक्षक खुश हैं। और मैंने अपने गोपाल जी जी बताइए और मैंने इस प्रकार अपने गोपालगंज जिले का नाम भी रोशन किया है। किस तरह से तैयारी किया था आपने, चूंकि आपने गोपालगंज का नाम रोशन किया और माता पिता को आप क्रेडिट भी दे रहे हैं, तैयारियां कैसी रही आपकी, किस तरह से तैयारी करते थे? मैं वैसे रोज 8 से 9 घंटे पढ़ा करता था और सभी सब्जेक्ट। जी सर, कभी कभी हो जाता था तो सभी सब्जेक्ट पे बराबर ध्यान देता था और इस प्रकार मैंने इसे मुकाम हासिल किया है। इस सफलता का आप क्रेडिट जो है वो किसे देना चाहेंगे सबसे ज्यादा, क्योंकि आपकी सफलता के पीछे आपके अभिभावक होते हैं, गुरुजन होते हैं, तमाम सारे लोग होते हैं, किसको आप सफलता का क्रेडिट देना चाहेंगे? मैं इस सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों और गुरुजनों में भारत मणि सर, मनीष सर और जयकिशोर सर और मेरे माता पिता और मैं अपने बहन को देना चाहूंगा। अच्छा, तो एक बात बताइए सारिक, जब आप आज रिजल्ट परिणाम घोषित हुआ तो सबसे पहले आपकी तरफ से आपने खुद रिजल्ट देखा था अपना? नहीं सर, मेरे देखे थे, मनीष सर देखे थे। तो उस समय आपके मन में क्या चल रहा था जब आप आश्वस्त थे आपकी हम पांचवा स्थान हासिल कर लेंगे और इस तरह से अपने जिले का नाम रोशन कर देंगे? जी सर, मुझे तो था ये कि मैं कोई ना कोई रैंक अवश्य प्राप्त करूंगा और जब रिजल्ट आया तो बहुत ही खुशी हुई और उसी समय आप लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए। देखिए, आप चूंकि 12th में मुकाम आपने हासिल किया है, संघर्ष के पीछे की कहानी बहुत निश्चित रूप से कुछ न कुछ रही होगी। आप जब पढ़ाई करते थे तो किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा, आप अपने परिवार के बैकग्राउंड के बारे में भी आप बिहार तक के दर्शकों को बताएं, चूंकि आपने एक अच्छा मुकाम हासिल किया और गोपालगंज के लोगों पर आपको निश्चित रूप से गोपालगंज के लोग आप पे आज गर्व कर रहे हैं। वैसे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी पढ़ाई करने में और मेरे माता पिता मुझे वो सब उपलब्ध करा रहे थे जो पढ़ाई में आवश्यकता थी। इस प्रकार मेरी बहन भी मेरे साथ ही पढ़ती थी और वो बहुत ज्यादा हेल्प करती थी मुझे, जो मुझे समझ में नहीं आता था मैं उससे डिस्कस कर लेता था। और मेरे गुरुजनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, मैं उनसे जब चाहूँ कोई भी सवाल पूछ लेता था और वो मेरी सहायता करते थे। और इस प्रकार मुझे, जैसे देखिए हर किसी का सपना होता है कि आगे अपने जीवन में इस तरह के मुकाम हासिल करने हैं, आगे ये बनना है, आपका क्या इरादा है, क्योंकि आपने अपने जिले का नाम रोशन किया है, आगे आप जो है किस तरह से आगे की जर्नी आपकी कैसे रहने वाली है? मैं अभी सीयूटी यूजी 2023 का एग्जाम दूंगा और उसके बाद मैं अपना नामांकन दिल्ली यूनिवर्सिटी में कराऊंगा और उसके बाद ग्रेजुएशन फाइनल होने के बाद यूपीएससी का तैयारी करूंगा और यूपीएससी क्रैक करके एक अच्छा आईएएस अधिकारी बनूंगा और अपने देश की सेवा करूंगा। और मैं उन बच्चों के लिए आइडियल बनना चाहता हूँ जिन जो आर्थिक तंगी के कारण नहीं पढ़ पाते हैं। और उन बच्चों की बहुत आर्थिक, क्या आपको भी इस तरह की चीजों का कभी सामना करना पड़ा पढ़ाई के दौरान, या आपके जो दोस्त हैं जो कुछ कारणों से इस परीक्षा में मतलब अपेक्षित सफलताएं जिनको नहीं मिल पाई, उनके लिए कोई खास संदेश आपका? मैं यही कहना चाहता हूं कि जो मेरे दोस्त हैं वो नंबर मायने नहीं रखता है, टैलेंट मायने रखता है। यदि आपका जितना भी नंबर आया है उस पे संतुष्ट हो जाइए और मेहनत कीजिए, क्योंकि आपके पास अगर टैलेंट है तो वही साथ देगा आपका, नंबर उतना मायने नहीं रखता है। और मैंने अपने दोस्तों के साथ ऐसा कॉम्पिटेटिव माहौल बना के पढ़ाई करता था। टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे, क्योंकि देखिए 12th के छात्र जो होते हैं कह जाते हैं 10th के बाद एक मैच्योरिटी आती है, जब आप पढ़ाई करते थे तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत योगदान होता है, क्योंकि एक मतलब आपका सेपरेट सब्जेक्ट होता है कि आप आर्ट सब्जेक्ट लेकर के पढ़ रहे हैं, साइंस सब्जेक्ट लेकर के पढ़ रहे हैं या कॉमर्स सब्जेक्ट लेकर के पढ़ रहे हैं, टाइम का मैनेजमेंट आप कैसे करते थे, क्योंकि आप इंस्पिरेशन है दूसरों के लिए भी? जी सर, तो मैं वैसे तो रोज 2-2 घंटे सब सब्जेक्ट को देता था
और जब परीक्षा नजदीक आया तो उससे भी ज्यादा देने लगा और पढ़ता था और अपने दोस्तों से भी डिस्कस कर लिया करता था, जिससे मुझे बहुत बड़ी सहायता मिली। और पिछली बार वीएम इंटर कॉलेज से ही संगम भैया जो टॉप किए थे रैंक वन, उन्होंने भी बहुत सहायता किया है और वो भी मुझे मार्गदर्शन देते थे। टाइम मैनेजमेंट के बाद आते हैं, जब आप घर में पढ़ाई करते थे तो सबसे ज्यादा कौन इसके लिए आपको फोर्स करता था? मम्मी, पापा, बहन, आप तीनों का जिक्र कर रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है छात्रों के लिए, क्योंकि 12th तक जो एक गार्जियन का प्रेशर होता है कि नहीं अब आपको पढ़ना है, अब आपको खेलने के लिए जाना है, इन सारी चुनौतियों का सामना करते हुए सबसे ज्यादा दबाव किस चीज का होता था? वैसे कोई दबाव मेरे माता पिता ने नहीं दिया मुझे, और मेरी बहन जो मेरे साथ ही इंटरमीडिएट परीक्षा दी है इस वर्ष, वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहती थी। और वैसे तो कोई आर्थिक तंगी नहीं हुई मेरे घर में और मैंने आसानी से अपनी पढ़ाई किया। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्रेडिट जो है आप अपनी बहन को दे रहे हैं परिणाम के बाद? जी सर, सबसे ज्यादा उसी का हाथ है। अच्छा, तो एक सवाल चुकी और है, जब आप इस तरह की तैयारी करते हैं तो किस तरह के दोस्तों के साथ आप टाइम मैनेजमेंट पे फिर से आते हैं? जब आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर के तैयारी कर रहे थे तो कभी ऐसा तो नहीं लगा कि मतलब सेपरेट बांटते हैं अलग अलग सब्जेक्ट को इसमें और दोस्तों के साथ अलग टाइम स्पेंड करते हैं, तो इन सब में सामंजस्य आपने किससे बिठाया? वैसे तो मैं ज्यादा दोस्तों से बात नहीं करता था क्योंकि मेरी बहन भी मेरे सहपाठी थी, तो मैं उसी के साथ बात करके अपना टाइम मैनेजमेंट कर लिया करता था और हमने एक ही साथ एक ही समय में पढ़ाई किया है। एक ही सब्जेक्ट के साथ? दोनों का सब्जेक्ट भी एक था? जी सर, हम लोग जुड़वा भी है। अच्छा, आप जुड़वा हैं? जी सर। आपकी सिस्टर आपके साथ हैं? जी सर, हैं यहीं पे। जी, उन्हें भी मेरे पीछे ही है। जी, तो उनके उनका संघर्ष मतलब सबसे ज्यादा उनका संघर्ष कैसा रहा? मैं देख रहा हूँ जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने भी अच्छा मुकाम हासिल किया और 451 नंबर उन्हें भी प्राप्त हुआ है। जी सर। और आप तो वो भी मेरे साथ ही पढ़ती थी और कभी कभी वो मुझे कुछ बताती थी तो मैं भी उसे बताता था और इस प्रकार कॉम्पिटेटिव माहौल बना के हम दोनों ने पढ़ाई किया कि मैं टॉप करूंगा तो वो टॉप करेगी, ऐसे करके पढ़ते थे हम। नहीं, तो आसपास ही हैं दोनों, आपकी बहन का जो मैं नंबर यहाँ पे देख रहा हूँ वो 451 नंबर उन्होंने भी हासिल किए हैं, तो कोऑर्डिनेशन दोनों के बीच मतलब एक कंपटीशन की जो भावना होती है वो भाई बहन के बीच ही हुआ करता था। जी सर, हाँ, मैं सहपाठियों के ज्यादा फेर में नहीं रहता था। अच्छा, आगे का उनका क्या इरादा है? उनको भी यूपीएससी क्रैक करके आईएएस बनना है। आप इस लाइव सेशन में उनको भी शामिल करिए। जी, आप अपने बारे में बताइए, चूंकि आपके भाई अभी लगातार कह रहे थे हमारे साथ कि बहन का काफी योगदान रहा और आप दोनों जुड़वा हैं? हाँ जी, हम दोनों जुड़वा हैं। तो सबसे ज्यादा मदद कौन करता था मतलब पढ़ाई के दौरान एक दूसरे के लिए? मेरा भाई और मेरे शिक्षक। आपके शिक्षक और आपके भाई, लेकिन अभी आपके भाई बता रहे थे कि उनकी सफलता के पीछे जो सबसे बड़ा श्रेय है वो आपका है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि आप उनको ज्यादा मदद करते थे और भाई आपको कम मदद करते थे? ऐसी बात नहीं है, जब मुझे जरूरत पड़ उसे जरूरत पड़ता था तो मैं मदद कर देती थी और जब मुझे जरूरत पड़ता था तो वो मेरा मदद कर देता था। आपका क्या इरादा है? आपका मैं शुभ नाम भी जानना चाहूंगा और आगे का इरादा क्या है, चूंकि आपने भी अच्छी सफलता हासिल की है इस परीक्षा में और इस सब्जेक्ट में, अपने सब्जेक्ट में इंटरमीडिएट की परीक्षा में, तो आपका क्या इरादा है? मेरा नाम साइसा खातून है और मैं भी आगे जाकर यूपीएससी क्रैक करके एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ और देश की सेवा करना चाहती हूँ। दोनों भाई बहन का एक ही सपना है, आगे भी पढ़ाई आप दोनों भाई बहन की जो पढ़ाई है वो एक साथ चलने वाली है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों भाई बहन का, आप हमारे साथ जुड़े। तो गोपाल के शारिक और साइस्ता की कहानी में आपको बता रहे थे कि दोनों देखिए ट्विंस हैं और एक साथ उन दोनों ने पढ़ाई की है और आज शारिक जो है वो 5वां स्थान उन्होंने हासिल किया है और जिले का नाम रोशन किया है। दोनों भाई बहन का जो लक्ष्य है वो आईएएस बनने का है और देश सेवा में जाने का है। आगे और भी जो गुदरी के लाल हैं या बिहार में जिन्होंने भी मुकाम हासिल किया है इस परीक्षा में, उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल के लिए इस लाइव सेशन में इतना ही।
आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ बिहार तक। नमस्कार।